ये मैं हूँ एक बर्च के पेड़ के पास में बिल्कुल, जिसे भोजपत्र भी बोलते हैं, और लगता है किसी ने एक्सट्रैक्ट भी किया है इससे भोजपत्र, काफ़ी छिले हुए हैं इसके बाक्स। सो जो भोजपत्र की जो पतली पील्स होती हैं वो इस बार्क से निकाली जाती हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे एक पतला बेसिकली बार्क निकालने की कोशिश करूँगा मैं आपके लिए। ये तो इस पर इसके काफ़ी बड़े A4 साइज़ या A4 साइज़ के आधे साइज़ पर पुरानी चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, जन्म पत्रियाँ लिखी जाती थी, श्लोक मंत्र लिखे जाते थे पुराने टाइम में। और ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इस ढंग से एक्सट्रैक्शन होता है इसका, बर्च ट्री का। और ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में, लगभग हम लोग अभी 3800 मीटर्स पर हैं, वहाँ पाया जाता है। ये देखिए इस पेड़ से तो बर्च काफ़ी बाहर निकल भी रहा है, अपने आप ही पील ऑफ हो रहा है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बाय प्रोडक्ट है। ये एक बार्च या भोजपत्र का पेड़ है। जब हमने पास जाके देखा तो काफ़ी दुखित हुए देखकर कि उसके बार्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया, क्योंकि उससे जब भोजपत्र एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी तो ऑलमोस्ट उस जो ब्रांच है वो तो आधी रह गई है। सो और ये एक वाइल्ड लाइफ रिज़र्व भी है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ रिज़र्व। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे एक्सट्रैक्शन ना करें भोजपत्र का। आप ये तो पुराने टाइम में जब पेपर्स नहीं थे उस टाइम पे यूज़ करते थे, अब आपके पास में तो पेपर, रिसाइकल्ड पेपर है, काफ़ी तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको यूज़ करें और पेड़ों को छोड़ दें, स्पेयर करें उन्हें इस तरह के नुकसान से। थैंक यू।